Hello everyone, this is Alisha Mahajan from An Academy. Hope you are doing well. So as you know, what we are doing is teaching aptitude and उस पर पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया एम्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग करे. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिक्स लॉज ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्चुअली. ठीक है, छह लॉज थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी विल डू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और टीचिंग यू कैन से. सो द फर्स्ट मेथड इज गाइज लेक्चर मेथड. ये चीज़ें मैंने ब्रीफ में टू द पॉइंट लिखी हैं ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इतनी डिटेल में ना जाना पड़े. वो डिटेल को पढ़कर ही मैंने क्रक्स बनाए हैं. सो यू कैन ट्रस्ट मी गाइज. सो द फर्स्ट पॉइंट इज लेक्चर मेथड. याद रखिए, जब भी वर्ड लेक्चर मेथड आएगा तो यू विल से दीज आर यूज इन कॉलेजेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो लेक्चर मेथड हमेशा तभी यूज़ होगा जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो और वो कॉलेज में हो. ठीक है, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिंग. डेमोन्स्ट्रेटिंग का ये ऑथर नेम्स नहीं आना है, एक सेकेंड प्लीज करेक्टेड, यहाँ पर अदर नेम्स लिख लो. ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिंग का अदर दूसरे नाम क्या है, कोचिंग स्टाइल भी इसे बोला जाता है और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी कहा जाता है. यूज्ड बाय, देखो डेमोन्स्ट्रेशन कब यूज़ किया जाता है, जब हमने इम्पार्ट करनी हो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन इम्पार्टिंग एंड शोइंग हाउ. मतलब सबसे पहले उनको बताओ बेटा ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद उन्हें करके दिखाओ गाइस, शोइंग हाउ कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं. ये तो हो गया दोनों मेथड्स का मतलब. अब ये वाला मेथड दूसरे वाले मेथड से डिफ़र कैसे है, हाउ लेक्चर मेथड इज़ डिफ़र फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेट मेथड, वो बताते हैं. याद रखिए, जब भी लेक्चर मेथड होगा तो उसमें सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी. जैसे अब मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही बता रही ना, इसमें ऐसा होता है, इसमें यह है, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे. लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो वो कनेक्टिव लर्निंग उसे बोला जाता है. क्यों कनेक्टिव लर्निंग बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट होते हुए. ठीक है, अपनी उनकी आंखों के सामने वो चीज़ लाइव चल रही है. जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन प्लस करके डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेड टू वाटर, तो वाटर बनाना बताएंगे आपको. तो दैट्स लाइक डेमोन्स्ट्रेशन में डेमो देखकर आपको खुद बताएंगे. सो जनरली ये यूज़ हम कर सकते हैं वॉशिंग मशीन, सब जो आपने नई ली है तब डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, उस तरीके से लर्निंग को. और बाकी लेक्चर मेथड आपकी क्लासरूम टीचिंग में यूज़ होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलेंगे. देन गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेटिंग. ठीक है, जो कोलैबोरेटिंग है ना हमारा मेथड, उसके आगे फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं तो हम उसे करेंगे. कोलैबोरेशन का आपको खुद से मतलब क्लियर हो रहा है कि सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं. सो इट मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टॉपिक ऑफ स्टडी. सो जब भी वर्ड कोलैबोरेटिंग आएगा तो आप बोलेंगे कि स्टूडेंट और टॉपिक का वो कनेक्शन जो है वो बना रहे हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल याद रखिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं या डिस्कशन मेथड है वो है. तो इससे क्या होता है गाइस, आपकी एबिलिटीज इंप्रूव होती है, आपके अंदर क्या आता है वर्क, टीम में वर्क करना आता है, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ती हैं, प्रेजेंटेशन एबिलिटीज बढ़ती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल बस आपने इसका नाम याद करना है, दैट इज़ कॉल्ड फिश बॉल डिस्कशन. फ़िश बॉल डिस्कशन आपने याद करेंगे तो जब भी कोलैबोरेटिंग का कोई मेथड आएगा उसमें अगर फ़िश बॉल लिखा होगा तो वो ठीक है. फ़िश बॉल में क्या होता है, चेयर्स लगाई होती है, एक इंटरनल साइड एक एक्सटर्नल बाहर, तो सर्कल के बाहर, तो एक में जगह खाली छोड़ी होती है, एक बंदा आता है, फिर इस तरीके से ना डिस्कशन होती है. सो गाइस कोलैबोरेटिंग इज दिस मेथड. इतनी डिटेल में आपने फ़िश बॉल डिस्कशन पे नहीं जाना है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके अब फर्दर तीन तरीके की होती है कोलैबोरेटिंग. पहला क्लासरूम डिस्कशन. क्लासरूम डिस्कशन आपको गाइस नाम से ही क्लियर है, सो डेमोक्रेटिक वे में होगा, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, सारे क्लास के बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम है या इस पॉइंट का क्या मतलब है, सब पूछ सकते हैं. उसके बाद गाइस आता है डीब्रीफिंग. सेकंड पॉइंट इज डीब्रीफिंग. डीब्रीफिंग में क्या होता है, हमने शेयर करनी होती है और एग्जामिन करनी होती है इंफॉर्मेशन आफ्टर अ स्पेसिफिक इवेंट. मतलब जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रीफ, ब्रीफ क्या होता है, टू द पॉइंट, छोटा सा, तो जब वो डीब्रीफिंग आ गया मतलब हमने किसी स्पेसिफिक इवेंट पर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, डिटेल में उसकी उसके बारे में बात करनी है. ठीक है, आपस में पूछना है कि इसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब है, डिटेल में पूछेंगे. तो डीब्रीफिंग इज़ जस्ट ऑपोजिट टू ब्रीफिंग.
तो ब्रीफिंग में जहाँ पर टू द पॉइंट बात करेंगे, यहाँ पर इलाबोरेटिव वे में बात करेंगे अंडर डीब्रीफिंग। द थर्ड पॉइंट इज क्लासरूम एक्शन रिसर्च। क्लासरूम एक्शन रिसर्च बेसिकली इसलिए किया जाता है, इससे हम ये फाइंड आउट करते हैं सब इकट्ठे मिलकर द मेथड ऑफ फाइंडिंग व्हाट्स वर्क द बेस्ट इन अवर क्लासरूम सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर लर्निंग। ठीक है, सो इससे क्या होता है, हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग को ये देखकर कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट वर्क करता है। इसके बाद ये तीन मेथड्स के बाद चौथा मेथड है लर्निंग बाय टीचिंग। लर्निंग बाय टीचिंग का क्या मतलब है कि आप सीख रहे हैं टीचर बनके, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम आ जाते हैं या ग्रेजुएशन के टाइम पर भी खुद प्रेजेंटेशन देते हैं ना, सो खुद पढ़ाकर सीखना इज़ कॉल्ड लर्निंग बाय टीचिंग। सो गाइस बात ये इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, इट इज़ कॉमन इन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इससे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के ये पार्ट जो है वो क्लियर होता है। थैंक यू गाइज़।